अस्सलामुअलैकुम, अभी ईद नमाज पढ़ी है कुछ देर पहले, तो अब हम जा रहे हैं दोस्त की तरफ। उसने नाश्ते पे बुलाया था और साथ हैं ये दोस्त, ये भाईजान कासिम और ये हमारे ओवर ड्राइवर नहीं हूँ एहसन है। ये सिर्फ आज इन्होंने राइड बंद की हुई, वैसे ही ऊपर चलाते हैं, लेकिन आज की राइड भी के पैसे नहीं ले रहे क्योंकि हम नाश्ता करवा रहे हैं। ये सिर्फ इसी वजह से हमारे साथ आए हैं। और बाकी ये जो बंदे हैं ये 30 दिन के लिए इतकाफ पे बैठा था और कल ही रिहा हुआ है, बैठा नहीं था, लेटा पड़ा था और ये कल ही रिहा हुआ है अभी ताज़ा। हाँ, ईद की जमानत करके आया और अभी हम जा रहे हैं बेचारा ये। तो बाकी अभी हम जा रहे हैं गुलबर्ग वाली साइड पे, वहाँ पे दोस्त हैं सैफ भाई हमारे, उन्होंने हमें नाश्ते में बुलाया है। वैसे ये हमारा करिश्मा ही हुआ है कोई, उन्होंने बुला लिया, पता नहीं कैसे बुलाया है। अभी हम उसके बंगलो पे आ गए हैं, हमें वो बंगलो नहीं मिल रहा है कहीं। ये बंगलो है उसका और भाई डाबे कौन सा घर है, घर नंबर था 67, वही वाला पुराना पार्क, ये पीले वाला गेट है प्लाट नंबर वहां पे लिखा है पार्क एट योर ओन रिस्क। चल कहां पे घोंसी के, मतलब तूने बाहर नहीं निकलना, ये वो बड़े लोग हैं गार्ड बाहर भेजेंगे हमें लेने के लिए, गार्ड बाहर भेजो मिल लेने के लिए, कमाली को भेजो नहीं बैठा हुआ ये 61 है, कमाली 67 पे जाना है ना। हाँ मतलब हमें भी खुश हो रहे हैं बंगलों में रहता है। अच्छा उसको क्या कमाली को बाहर भी उनको बाहर हनुमान जी ना जी व्लॉग शूट कर रहे हैं, कहते बंगलों पे आ गया हम। वाह बंगलो आ गया। तो ये रहा उसका बंगलो, खुशबू लगा के आना पड़ेगा। ये आ रहे हैं हमारे सैफ भाई, वो आ रहे हैं सैफ भाई हमारे साथ। सर एक दिन सैफ के साथ। ईद मुबारक आपको विजिट करा, कहाँ लेके जा रहे हैं सर, कहाँ लेके जा रहे हैं, आयु नहीं चाहिए। दरवाजा बैठे वो बैठो, आपके लिए कुछ मंगवाएं, चाय कॉफी ठंडा गरम। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।